खैरियत से होंगे। अच्छा, जब मैं अपने रूम में आई तो मुझे एक सरप्राइज मिला, पिज्जा। आई केम टू नो के शेफ साहब एक पिज्जा लेकर आए हैं, उनकी कोई अर्निंग स्टार्ट हुई है। तो मैंने उनको बुलाया कि यहाँ आए और आप जरूर हमारे साथ ये शेयर करें कि आपने अर्निंग कैसे की, क्योंकि आई थिंक आपका जस्ट वन मंथ हुआ है। आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें, बताएं आप कौन है, कहाँ से ताल्लुक है। मेरा नाम इजाजुल हक है और मैं स्वात से ताल्लुक रखता हूँ और मैं इधर हॉस्टल में रहता हूँ। तो वर्क में मेरा तकरीबन वन मंथ हुआ है। अच्छा, तो आपने ये अर्निंग कैसे स्टार्ट किया? आपका कोई क्लाइंट है या आपका अपना काम है, क्या किया है? जी, मेरे साथ क्लाइंट है, तकरीबन 3-4 महीने से मेरे साथ क्लाइंट था। अच्छा। जब मैं वर्क में इधर आया तो मैम आपसे मैंने सुना था कि आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट है या ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो आप और क्लाइंट पे और बंदों पे आगे सेल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट थे और उस पर मैंने तकरीबन बहुत सारी मेहनत भी की थी। 3-4 महीने मैंने उस पर टाइम जाया किया था, मैंने मेहनत की थी उसमें। तो वो प्रोडक्ट कितने घंटे काम करते थे? मैं तकरीबन रात को तकरीबन 1 बजे तक 2 बजे तक मैं काम कर रहा था, जागता रहता था। दिन को भी करते थे रात? दिन को भी 9 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं सारा दिन काम कर रहा था। तो वो प्रोडक्ट मैंने फिर किसी बंदों की जरूरत थी प्रोडक्ट की और सेल किए, तो फिर वो प्रोडक्ट मैंने उस पे आगे सेल कर दिया, तो इसमें मैंने बहुत अर्निंग की। बहुत अच्छा माशाल्लाह। और अब आपका मेन फोकस इस पे हो गया कि आप जो है तो ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं और आगे उनको और साथ अपने क्लाइंट पे भी काम करें। जी, मैं क्लाइंट भी कम क्लाइंट के साथ भी काम करता हूँ, लेकिन क्लाइंट से मुझे इतना अर्निंग नहीं होता जितना मैं ब्रांड से अप्रूवल लेता हूँ फिर मैं वो आगे सेल करता हूँ। जी बिल्कुल। खाएंगे मेरे साथ ही, सिर्फ मैं खा लू? नहीं, सिर्फ आपके लिए। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए ला है? थैंक यू सो मच। तो अब मैंने सुना है कि आप आगे सपोर्ट भी दे रहे होते हैं और के लोगों को, जो न्यूबीज आते हैं आप उनको भी साथ में गाइड करते हैं। दैट्स ग्रेट। हमेशा आप जब भी कामयाब होते हो ना, आपने हमेशा दूसरों को भी साथ लेकर चलना होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर पिज्जा, दिस इज नॉट ओपन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर मी। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह फिर आपकी आपके अपने अकाउंट पर भी हम देखना चाहेंगे कि आपने कितने वर्किंग किए। ठीक है, और एक दफा हम उसके भी एक वीडियो बनाएंगे। यू हैव ओनली वन मंथ, एक महीने बाद आपने मुझे अपने क्लाइंट के भी जो आपका अकाउंट है आपने मुझे उसकी भी प्रोग्रेस बतानी है और हम उसको भी लाइव लेके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।